इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एंड डिस्क। अगर आप बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, फिर डिस्क, फिर लाइन चार्ज, फिर शेल, फिर सॉलिड स्फीयर। ऐसे ही हुआ था। पोटेंशियल में हमने अभी तक क्या काम किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर, और ई का फॉर्मूला हमने कर लिया। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। रिंग के अंदर सपोज ये एक रिंग है, रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, इसकी दूरी यहाँ से एक्स है, ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर ये स्मॉल एलिमेंट है जो कि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज यहाँ पर वी क्या लगाएगा? स्मॉल लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेशन, डी क्यू की इंटीग्रेशन होगी क्यू, ये फॉर्मूला बनेगा वी का ऑन एक्सिस। आपको ये डेरिवेशन CBSE में नहीं आएगी, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करें और उसमें सीधा फॉर्मूला एंटर करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, ये नोट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, और रिंग के अंदर एक्सिस के ऊपर ये फॉर्मूला नोट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, रिंग के सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो जब आप यहाँ जीरो पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर विल गिव आर। तो रिंग के सेंटर पे वी का ये फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये नोट करें। तो रिंग के एक्सिस पे नोट करें, रिंग के सेंटर पे नोट करें, और ये ग्राफ है। रिंग के सेंटर पे वी मैक्स होगा, सबसे ज्यादा होगा, लेफ्ट या राइट जाएंगे वी कम होगा, और वी की ये वेरिएशन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये मार्क करनी है। मेनली वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्या ये स्टेप क्लियर है? प्रूफ मैंने बता दिया, जरूरत नहीं है करने की, मैं फिर कह रहा हूँ, लिख लेना, नो नीड टू डू प्रूफ, चाहे हिंट लिख लेना, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर मैंने जो प्रूफ किया, पोटेंशियल निकाला, वो बाय इंटीग्रेशन निकाला। एक और तरीका है फिजिक्स में जहाँ से पोटेंशियल निकल सकता है, वो ऐसे मेथड टू, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें ये एक रिंग है, रिंग के एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ई निकालना सीखा था, याद करो, डेरिवेशन थी NCERT में, ई एक्सिस में निकला था। अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा? अगर E गिवन है और V निकालना है, तो E इज माइनस dV बाई dx, x डिस्टेंस पे ये E की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई, E की वैल्यू पूरी की पूरी उठा के यहां पुट कर देते हैं, और अगर फिर इसे इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। मैंने क्यों नहीं की? क्योंकि इसमें प्लस टू की इंटीग्रेशन यूज हो रही है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो आपको मैथ्स के टीचर सिखाएंगे, तो वहां से भी आंसर आ सकता है। पर मैं फिर कहूंगा, प्रूफ ना मेथड वन की जरूरत है, ना मेथड टू की जरूरत है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज की जरूरत है। फॉर्मूलाज क्लियर है और कुछ नहीं करना आपने। इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, CBSE में नहीं आएगा, मेंस या नीट में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, नॉट फॉर NCERT नहीं है। आपको दो रिंग्स गिवन है, दो रिंग्स गिवन है, एक का रेडियस R1 है, एक का R2 है, इनके बीच में दूरी कितनी गिवन है? एक्स गिवन है। क्वेश्चन ये है, एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मैंने बी से ए पे रख दिया, तो मैंने अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना किया ये निकालें। अब रूल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, कितने चार्ज को उठा के रखा? क्यू नॉट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि मैं चार्ज को बी से ए पे लेके आ रहा हूँ, तो ए मेरा फाइनल पॉइंट है, बी मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो क्योंकि मेरे को वर्क डन निकालना है, तो मैं इस क्यू नॉट को यहां लेके आऊंगा, तो मेरा वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है? ए का और बी का पोटेंशियल निकालना है। अब ए का पोटेंशियल देखो, देखो ए पे कौन पोटेंशियल लगाएगा? यहां पे दो चार्ज बॉडीज हैं, दोनों रिंग्स हैं, ए पॉइंट इस रिंग का सेंटर है, तो इस रिंग के सेंटर पे
क्यू वन क्या लगाएगा फॉर्मूला, रिंग के सेंटर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाई आर वन, लेकिन ये पॉइंट इस रिंग के एक्सिस पे है, एक्सिस पे क्या फॉर्मूला लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितने, अंडर रूट ऑफ आर टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि इस पॉइंट पे इस रिंग ने भी पोटेंशियल लगाया और इस पॉइंट पे इस रिंग ने भी पोटेंशियल लगाया। अब उसी तरीके से बी पे, बी के ऊपर ये क्यू टू क्या पोटेंशियल लगाएगा, बी पॉइंट क्यू टू के सेंटर पे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू, और ये जो रिंग है उसके एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो एक्सिस पे क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितने, अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वी बी और वी ए को उठा के यहाँ पुट करें, जो भी ऑब्जेक्टिव में जिस फॉर्म में आंसर होगा उसमें मार्क करें। मुझे खुद नहीं याद किस फॉर्म में होगा, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि रिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएंगी। ठीक,